हेलो किड्स, वेलकम टू उड़ान अकेडमी। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, स्पोर्ट ऑफ ग्रेट स्किल। एक स्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए रीड करते हैं। सेंचुरीज अगो पीपल हंटेड यूजिंग बोस एंड एरोस। दे वुड स्टॉक एंड किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर मीट। बोस एंड एरोस वेर ऑल्सो यूज एज अ वेपन ऑफ वार। In those days, people with good aim won tournaments and become famous. Slowly, bows and arrows went out of fashion. Archery became mere sports to test one's aim rather than a weapon to be used to hunt food or fight wars. क्या दिया है? एक sport दिया है, archery. Archery कौन सा sport होता है? धनुषबाजी कहा जाता है, जैसे धनुष से और बाण से, तीर से। को पता है ना, तीर होता है, धनुष होता है, जिससे एरो पॉइंट करके चलाते हैं। धनुषबाजी, आपने धनुष देखा होगा, तो आर्चरी उस स्पोर्ट को कहा जाता है। पहले के ज़माने में आर्चरी क्यों यूज़ होती थी? एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करने के लिए, और उनका मीट है ना। पहले के जो लोग होते थे वो मीट खाते थे, एनिमल्स मार के खाते थे, तो वो लोग एनिमल्स का मीट पाने के लिए भी उन्हें धनुष से मारते थे, आर्चरी का यूज़ करते थे। और वार में जंग होती थी, लड़ाई होती थी, लड़ाई के मैदान में यूज़ करते थे आर्चरी। ओके, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे, स्लोली बोस एंड एरोस वेंट आउट ऑफ फैशन, मतलब धीरे धीरे यूज़ होना बंद हो गए, वार में यूज़ होना बंद हो गए, लोग मारने के लिए भी बंद हो गए। ओके, क्या हुआ? धीरे धीरे यूज़ होना बंद हो गया, और सिर्फ एक गेम की तरह अब यूज़ होता है। आर्चरी जो होता है सिर्फ एक गेम है, अब वार वगैरह में अब वार्स होते ही नहीं है, तो आर्चरी का वहाँ यूज़ नहीं होता है। अब क्या हुआ, जो ओलंपिक गेम होते हैं ना, वहाँ पे ओलंपिक गेम्स में आर्चरी एक कंपटीशन होता है, एक टूर्नामेंट होता है आर्चरी का। 100 सालों से हो रहा है, लेकिन इंडिया ने अभी कुछ सालों में ही पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया है। इंडिया को अभी सिर्फ 30 ईयर्स हुए हैं जब वो आर्चरी में, ओलंपिक गेम्स में पार्ट लेना स्टार्ट किया है। बहुत से आदिवासी गांव से आर्चर्स, मतलब जो आर्चरी करते हैं ना, जो धनुषबाजी करते हैं, वो लोगों को झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स से ढूंढा जाता है। इनके खून में आर्चरी रहती है, अपन बोलते हैं ना, इसके तो खून में ही है ये गेम, ये टैलेंट। तो ऐसा ही इन लोगों के भी खून में आर्चरी है। ये लोग बचपन से ही आर्चरी करते हैं, धनुष से और बाणों से खेलते रहते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है। तो ये कंपटीशन ये लोग हमें जिता सकते हैं, है ना, हम गेम्स में जीत सकते हैं। इसलिए इन लोगों को विलेज में जाके, गांव में जाके जो अच्छा खेलता है, जो अच्छी आर्चरी करता है, उनको ओलंपिक गेम्स में पार्ट लेने के लिए बोला जाता है। ओके, यहाँ पे फ़ोटो भी दी हुई है, देखिए। इसे कहा जाता है बो, और जो तीर होता है उसे कहा जाता है एरो। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि एरो और बो कैसे बनते हैं, तो बम्बू से, केन से, है ना, स्ट्रिंग से, बम्बू फाइबर से, हेम्प से, इन सब चीज़ों से धनुष बनता है, बाण बनता है। टैलेंट स्काउट एक टीम है जो कि गांव-गांव जाके लोगों की खोज करती है, जो अच्छी आर्चरी करते हैं, फिर उन्हें जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहती है, उनको सपोर्ट करती है। ऐसे लोगों को बोलती है कि आओ, हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप अच्छा और अच्छा खेलो, और फिर ओलंपिक गेम्स या बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो। ओके, अब इंडिया में बहुत बड़े बड़े, बहुत फेमस आर्चर कौन कौन हैं उनके नेम से? बॉम्बेला देवी लैशरम फ्रॉम मणिपुर, दीपिका कुमारी एंड लक्ष्मी रानी माझी फ्रॉम झारखंड। ये लोग ओलंपिक्स में खेल चुकी हैं, आर्चरी कर चुकी हैं। जो दीपिका है, दीपिका सेज शी बिगेन प्रैक्टिसिंग आर्चरी व्हेन शी ट्राइड टू ब्रिंग डाउन मैंगोज फ्रॉम ट्री। दीपिका बता रही हैं कि मैं जब छोटी थी और पेड़ों से मुझे आम तोड़ना होता था, तब से ही मैं आर्चरी करना सीख गई हूँ। अब एक गर्ल के बारे में बताया गया है जिसका नेम है गोराहो। गोराहो जो है यंग आर्चर, मतलब अभी नई नई आर्चर है, जो कि बहुत टैलेंटेड है, झारखंड से है। He is very talented, but he almost didn't become an archer. His mother died when he was young, and his father was too sick to work. Gora had siblings, had to make to do
विथ वॉट एवर दे हैड और अर्न्ड. क्या था जो गोरा है, एक बॉय है, यंग आर्चर है, वो आर्चरी करना चाहता था, बहुत टैलेंटेड था, लेकिन क्या हुआ, उसकी मम्मी जो थी वो बहुत, उसकी मम्मी नहीं थी और इसकी उसके पापा बहुत ही बीमार रहते थे, तो उनके घर पे पैसे कमाने वाला कोई नहीं रहता था, तो गोरा को और उसके भाई बहनों को खुद से काम करना पड़ता था पैसे कमाने के लिए. लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो गोरा ने बहुत मेडल्स, जब उसकी इंडिया ने हेल्प करी स्पोर्ट अथॉरिटी ने, तो गोरा ने बहुत मेडल्स जीते. ओके, तो ये हमारा चैप्टर था आर्चरी के बारे में.